खबर के प्रायोजक हैं। एक्वापेट पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, बिल्ड मार्ट ब्रह्मपुरा मुजफ्फरपुर, आंचल क्रिएशन मोती झील मुजफ्फरपुर, श्रीजन कॉमर्स क्लासेस, मुन्ना भाई शौचालय टंकी सफाई। तो इस वक्त एक बड़ी खबर मैं आपको बताऊं कि रिलायंस ने अपने सारे स्टोर को नेक्सस मॉल से हटा लेने का फैसला किया है। वजह बस इतना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की थी कि लॉकडाउन की अवधि में जो लोग भी बिल्कुल सामर्थ्य हैं वो अपने किराएदारों को किराए के लिए परेशान ना करें। नेक्सस मॉल ने यह मानने से इनकार किया। ऐसे में फलस्वरूप रिलायंस ने अपने सारे स्टोर वहाँ से हटा लेने का फैसला किया है। पर वहीं मुजफ्फरपुर के एक व्यवसायी हैं भूषण झा, जिन्होंने एक बड़ा मिसाल पेश किया है। उन्होंने ऐलान किया कि जो लोग भी उनके किराएदार रहे हैं लॉकडाउन की अवधि में, जो लोग भी उनके किराएदार रहे हैं उन्हें किराया नहीं देना है। इसके साथ साथ आने वाले एक वर्ष के लिए भी सारे किराएदारों को एक बड़ी छूट भी दी जा रही है। आइए जानते हैं बिहार दस्तक से खास बातचीत में व्यवसायी भूषण झा ने क्या कुछ कहा। प्रथम लॉकडाउन में देश के नाम संबोधन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने सभी लोगों से आग्रह किया था कि जो लोग अपने एम्प्लॉई को रखे हुए हैं उनको पूरा वेतन दें, मकान मालिक किराया न ले। इसको अक्षरशः पालन करते हुए हम मध्यम वर्गीय श्रेणी में आते हुए भी मैंने अपने जितने भी रेंटर थे उनको लॉकडाउन अवधि का किराया वेव कर दिया। इससे भी आगे बढ़ करके हमने पूरे एक वर्ष के लिए सभी किराएदारों को 25-50% तक किराया में रिबेट कर दिया। लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा सरकार, भारत सरकार या बिहार सरकार के द्वारा हम लोगों को कोई रियायत नहीं दी गई। इवन इनकम टैक्स में भी कोई छूट देने का कोई घोषणा प्रधानमंत्री या बिहार सरकार के द्वारा नहीं किया गया। तो ये एक तरह से एक तरफा भार हम लोगों के ऊपर डाल दिया गया। प्रधानमंत्री जी ने जो 20 लाख करोड़ का घोषणा किया वो भी हमारे समझ के परे है। जो इसका लाभ हम लोगों को कैसे मिलेगा, हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात की, अभी तक इसकी परिभाषा बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए हैं। जो ये 20 लाख करोड़ का सहायता राशि किस तरह से लोगों तक पहुंचेगा भी या नहीं। मैंने जैसे कि सुना कि आपने, चूंकि मुजफ्फरपुर में अभी तक इस तरीके की पहल नजर नहीं आई है, पर आपने जितने भी आपके यहाँ रेंटर हैं आपने उनके रेंट को भी माफ कर दिया है और आने वाले समय के लिए भी कुछ मदद की है। मैंने पूरे लॉकडाउन पीरियड का किराया वेव कर दिया और आगामी एक वर्ष के लिए किराए में 25 से लेकर के 50% तक मैंने छूट दिया है उनको। जो आप अपना व्यवसाय कीजिए, सेटल होइए और फिर जब ठीक ठाक हो जाए तो एक साल के बाद से हमको जो पुराना किराया आ रहा है उस तरफ का आप हमको किराया दीजिए। हमने प्रधानमंत्री के आग्रह को, निवेदन को अक्षरशः पालन किया, लेकिन भारत सरकार, बिहार सरकार द्वारा हम लोगों को कोई राहत, कोई सुविधा नहीं दी गई। टैक्स में भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया या हम लोग जो उम्मीद करते थे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया।